हे गाइस वेलकम, कैसे हैं आप सब। सो माय स्क्रीन माय आइडिया में आप सभी ममाज डैडा सभी पेरेंट्स का स्वागत है। तो गाइस मुझे हमेशा से जो रिक्वेस्ट आती है कि मैम अभी कुछ एक रेमेडी ऐसी बता दो, सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट हो और हम अपने बच्चों पे अप्लाई कर दें। तो ममाज के लिए ये रेमेडी बहुत ही ईजी होने वाली है, क्योंकि ममाज को मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगी कि भाई बस वो कर लेना, जब भी आप किचन में वो चीज़ बनाने जा रहे हो बस वो थोड़ी सी निकाल लेना। वो क्या है दोस्तों, उबले हुए चावल का पानी। दोस्तों उबले हुए चावल का पानी जो है स्किन को वाइट बनाने के लिए, सूद सॉफ्ट इफेक्ट देने के लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन के ऊपर एक वाइट लेयर छोड़ के जाता है। गाइज हमारे बच्चे हर रोज एवरीडे धूप में खेलना है उनको, शाम को बाहर खेलना है ना, उनकी बॉडी के ऊपर उनके फेस के ऊपर स्पेशली बहुत सारा टैन जमा हो जाता है, बहुत सारा चिपचिपाहट से उनकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा काली पड़ जाती है ना। कुछ लोगों को मेरे कुछ जो दोस्त हैं वो बोलते हैं कि मैम हमारी बच्चों की स्किन पे जो यू नो पसीना आता है उस वजह से उनकी स्किन के ऊपर रेड ब्लू दाने हो गए हैं। तो कैसे वो दूर हो सकते हैं, स्किन अगर बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गई है तो आज का रेमेडी उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं रेमेडी, कैसे हमने इसको बनाना है और कैसे अप्लाई करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ममाज आपकी परेशानी का कारण जो है वो वही होता है कि यार मेरा बच्चा भी चांद की तरह चमकना चाहिए, सबके अंदर सबके बच्चे बड़े गोरे गोरे और मेरा सारा दिन धूप में खेलता रहता है और इसका स्किन एवरी डे ब्लैकिश हो ही जा रहा है, ब्राउन हो ही जा रहा है, टैनी हो ही जा रहा है, क्या करें इस ब्राउन मंडे का, है ना। सो डोंट वरी, आज मैं आपको बस सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से ही ये रेमेडी बनाने वाली हूँ, क्योंकि यार विंटर आने वाले हैं और विंटर में बहुत सारे ढेरों सारे फंक्शन होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं, हमारे बाहर भी होते हैं, और हम यही चाहते हैं कि यार फलाने का बच्चा बड़ा सुंदर दिख रहा है और मेरा भी दिखना चाहिए, है ना। ऐसे तो भगवान जो रंग देता है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा यार सावला क्यों है, ऐसा क्यों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल ये चीज़ें नहीं देखते हैं कि गोरा काला कौन है, बट हाँ मैं सिर्फ उसके लिए रेमेडी बताती हूँ जो मेरे टाइटल्स होते हैं स्किन वाइटनिंग, बेबी स्किन वाइटनिंग रेमेडी। ये टाइटल सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप अपने बच्चे की स्किन को हेल्दी बना सकें, जो यू नो मैल होती है या डस्ट पोल्यूशन उससे आपके बच्चे की स्किन खराब हो गई है, उससे आपके बच्चे की स्किन टैनी हो गई है, उसको कैसे दूर करें। देखिए हम लोग एवरी डे अपने फेस को क्लीन करते हैं, नेक को क्लीन करते हैं, हाथों को क्लीन करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। लेकिन बच्चों को भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चों को नहलाते हैं तब क्लीन करते हैं, लेकिन बच्चे जब धूप में चले जाते हैं बाहर खेलते हैं तो उनका जो पोल्यूशन से स्किन काफी ज्यादा यू नो टैनी हो जाता है, उसको क्योर करना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज हम पेरेंट्स हैं, है ना। ये रेमेडी उसलिए होता है, तो गलत कभी मत चाहिएगा कि मैं चैनल के ऊपर बच्चों के वो वाइट बनाने की रेमेडीज बता रही हूँ। उसका सिर्फ मतलब ये होता है कि हम अपने बच्चों की स्किन को हेल्दी कैसे बना सकते हैं। तो हमेशा गलत चीज़ जल्दी पकड़ लेते हो आप लोग, तो वो मत पकड़ा कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव भी रख के चला कीजिए। तो जितना पॉजिटिव रहोगे भगवान आपके उतना ही पास रहेगा, जितना नेगेटिव रहोगे भगवान उतना ही आपसे दूर रहेगा ऑलवेज। सो बात को बिना इधर उधर करते हुए चलते हैं रेमेडी की तरफ। तो ममाज जब आप चावल राइस घर पे बनाते हैं, हमारे घरों में एक दिन दो दिन तीन दिन छोड़ के चावल तो बनते हैं ना, जब आप चावल को उबाला देते हैं, चावल उबालते हैं अच्छे से, तो उसमें से जो पानी निकलता है आपको वो पानी निकालना है, राइट। वो पानी जो स्टच होता है उसके अंदर स्टार्च एक्चुअली में होता है, वो स्टार्च हमारे बड़े काम की चीज़ होती है। तो वो स्टार्च ही हमारी स्किन को पोल्यूशन से, डर्ट से और सन टैन से निकालने में हमारी बड़ी हेल्प करता है। तो आपने एक कटोरी के अंदर वो स्टार्च यानी कि वो चावल का पानी जो है वो निकाल लेना है। अभी आप देखोगे जब वो ठंडा होगा ना वो उतना ही थिक होता जाएगा, है ना, तो स्टार्च उतना ही फैलता जाता है उसके अंदर, तो वो हमें चाहिए होगा। तो उसके अंदर आपने जस्ट और जस्ट एलोवेरा जेल मिलाना है, अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट आई थिंक इट्स बेटर हो जाएगा अगर आप एलोवेरा जेल उसके अंदर मिला लोगे। अगर घर में आपके पास एलोवेरा प्लांट है तो आप वो फ्रेश जेल भी निकाल के इसके अंदर डाल सकते हो, अच्छे से मिक्सअप कर लीजिएगा, कोई भी यू नो इसके अंदर थोड़े से बबल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, अच्छे से मिक्सअप कर ले दोनों चीज़ें। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब अपने बच्चे के फेस के ऊपर अप्लाई कीजिए, नेक पे अप्लाई करें, हाथों बाजू पे बॉडी पे अप्लाई कीजिए और सर्कुलर मोशन में 2-3 मिनट तक मसाज करनी है। इतना हम आई थिंक इनफ है, कर सकते हैं। अगर एवरी डे हम ममाज बहुत थक जाते हैं बच्चों के पीछे भाग भाग के भाग भाग के और लास्ट में बात आए कि बच्चा बहुत काला हो गया, इसको कैसे गोरा करें, इतना टैन से धूप से इतना काली हो गई, स्किन कैसे गोरा बनाए, है ना। तो इतना वक्त हमारे पास नहीं होता है कि इसको तामझाम बना के उसके फेस पे लगाएं या कुछ करें, है ना। तो मेरे कुछ ममाज हैं जिनके पास इतना वक्त नहीं होता, तो ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो सिर्फ और सिर्फ आपने एलोवेरा जेल और राइस चावल का जो पानी है उसको दोनों को मिक्स करना है, बच्चों की मसाज करनी है 2-3 मिनट, और उसके बाद उनका फेस जो है वो क्लीन कर दीजिए,
स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, जो स्किन इरिटेट हो गई है वो ठीक हो जाएगा, सन बर्न है वो खत्म होगा, क्योंकि एलोवेरा के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आपकी स्किन को शांत करने में बहुत हेल्प करती है। बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, अगर आप एलोवेरा और राइस फ्लावर दोनों को मिक्सअप राइस का जो वाटर है, राइस वाटर को मिक्सअप करके लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्किन पे वाइट लेयर जम जाती है, वाइट लेयर आती है स्किन के ऊपर, जो भी एक्स्ट्रा चीज एक्स्ट्रा पोल्यूशन है, डस्ट है, डर्ट है, वो निकलने में बहुत आसानी मिलती है। तो जरूर ट्राई करके देखना, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है ये, जो आप अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उनकी स्किन को क्योर कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा, अगर आपको रेमेडी पसंद आई है तो आपको पता है ना, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है। तो मिलोगे नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।